हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। इस वीडियो में हम बहुत बड़े स्कूल की बात करने वाले हैं, ज्ञानश्री स्कूल से जो है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आई है। स्कूल का स्ट्रक्चर यदि आप मेन वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो आप लोगों को जो है दिखाई देगा कि बहुत बड़ा स्कूल है, स्कूल का एरिया काफ़ी बड़ा है, टीचिंग स्टाफ भी जो है अधिक है और यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स की संख्या भी काफ़ी अधिक है। बिना अनुभव के आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले हैं। सैलरी जो है 50,000 से लेकर 75,007 पे कमीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिल रही है। कोई भी फीस नहीं लगेगी, ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले मेन वेबसाइट पर हम स्कूल देखते हैं, ज्ञानश्री स्कूल है नाम का। और ये स्कूल का जो है स्ट्रक्चर जो है आप देखें, स्कूल और साथ में जो है हॉस्टल भी जो है इसी के अटैच है। बहुत बड़े एरिया में जो है ये स्कूल फैला हुआ है, ठीक है। और भी जानकारी जो है मेन वेबसाइट पर आप अगर अप्लाई करेंगे तो जरूर यहाँ पर मेन वेबसाइट पर आकर सारी चीज़ें जो हैं देखें। यहाँ पर जो है नर्सरी से लेकर जो है 12th क्लास तक काफ़ी जो है अच्छे तरीके से, यानी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है इस स्कूल का। और सैलरी जो है आप लोगों को काफ़ी अच्छी जो है वो मिलने वाली है। और हर तरीके के गेम जो हैं इस स्कूल में चलते हैं। नेशनल चेस चैम्पियनशिप में जो है ये स्कूल पार्टिसिपेट कर चुका है और काफ़ी जो है वो आगे भी जो है रहा है। अभी जो है सैलरी यहाँ पर आप लोगों को वाकई में काफ़ी अच्छी दी जा रही है, तो क्वालिफिकेशन भी जो है उसी के अकॉर्डिंग मांगी भी जा रही है। जैसे कि PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट उस सब्जेक्ट में और साथ में BEd होना होगा। TGT के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी जो है पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में BEd होना होगा। PGT में सब्जेक्ट आप देखें, इंग्लिश, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, होम साइंस एंड फैशन स्टडीज़, और साथ में बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की भी वैकेंसी है। PGT में अगर किसी भी कैंडिडेट ने PhD हासिल कर रखी है तो वह भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में जो है इंग्लिश, केमिस्ट्री, संस्कृत, सोशल साइंस की वैकेंसी है। और मैंने आपको बता दिया TGT के लिए अप्लाई करना चाहें या PGT के लिए, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट में और BEd बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ तक कि यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स एंड प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए भी क्वालिफिकेशन काफ़ी जो है अच्छी खासी मांगी गई है। PRT के लिए, प्राइमरी के लिए, 1 to 5 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट और साथ में BEd होना चाहिए। प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट और साथ में NTT कोर्स या ECCE ट्रेंड या मोंटेसरी जो है आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा। स्पेशल एजुकेटर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में BEd स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर किसी कैंडिडेट के पास जो है BEd स्पेशल एजुकेशन में नहीं है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। एक्टिविटी टीचर्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं, म्यूजिक जिसमें वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल है, थिएटर, क्वालिफिकेशन जो है CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मांगी गई है, जैसे कि KVS में, DPS में मांगी जाती है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट फॉर एक्सटर्नल कंपटीशन, IIT, NEET, NTSE, मेडिकल एटसेट्रा, एक्सपीरियंसड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस। अभी ऐसे जो कैंडिडेट होते हैं जो कि काफ़ी सालों तक किसी कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं, 6 साल, 7 साल, 5 साल से अधिक जिनका एक्सपीरियंस रहा होता है, तो जो नीट को पढ़ा सकें, IIT स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, तो वो भी जो है यहाँ पर जा सकते हैं जिनको 5 साल से अधिक का जो है अनुभव हो। बाकी जो टीचर्स मैंने आप लोगों को ऊपर बताए हैं, प्री प्राइमरी, PRT, TGT, PGT, तो यहाँ बिना अनुभव के बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है जिसमें साइंस ग्रेजुएट BSc आपका होना चाहिए, यहाँ पर जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेंट शुड हैव, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के साथ में लिखा है कि मिनिमम 2 ईयर का जो है अनुभव आपका रिप्यूटेड स्कूल में पढ़ाने का हो। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि थंबनेल में मैंने बिल्कुल लिखा है कि फ्रेशर बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, तो इन्होंने लिखा है कि मेरिट के आधार पर ही जो है फ्रेशर का भी जो है यहाँ पर सिलेक्शन रहेगा। एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, CTET प्रेफर्ड, यहाँ पर जिन्होंने CTET क्वालिफाई किया हुआ है तो उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसे कैंडिडेट को जिन्होंने CTET क्वालिफाई किया है। सैलरी एज पर 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो है यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट जो है, प्लीज अप्लाई ऑनलाइन,
ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना होगा 10 दिन के अंदर। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ज्ञानश्री स्कूल सेक्टर 127 एक्सप्रेस वे नोएडा। तो ये नोएडा में स्कूल है। मेन वेबसाइट पर सबसे पहले आप लोगों को आना है यदि आप अप्लाई करेंगे, और सबसे नीचे आप चले आए, नीचे यहाँ लिखा है करियर, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ लिखा है प्लीज एंटर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ नाम होगा, पासवर्ड होगा, और उसके बाद सबमिट करना है। यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना जो है यूजर नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद दोबारा से यही पासवर्ड डालेंगे कंफर्म करने के लिए, उसके बाद सबमिट कर देंगे। आपके सामने जो है जो पेज आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसे आपको भरना है, फीस आपकी नहीं लगने वाली है, ठीक है। तो ये जो स्कूल है नोएडा उत्तर प्रदेश में है ये स्कूल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।